थैंक यू सर, थैंक यू बद्री जी। सर मेरा ये मेडल स्पीच है, इसलिए मुझे ज्यादा समय दिया जाए दूसरे सत्र का। आज इस सदन में हम जम्मू कश्मीर के डिमांड फॉर ग्रांट्स की यानी बजट की चर्चा कर रहे हैं, जहां जम्मू और कश्मीर के स्टेट के चुने हुए लोगों ने इसकी चर्चा अपने स्टेट में करनी चाहिए, वहां हम यहां पे दिल्ली में बैठ के उनके स्टेट का बजट कहां से कहां जाना चाहिए, कहां पे क्या देना चाहिए, उसकी चर्चा कर रहे हैं। मेरे लिए तो ये बहुत दुख की बात है। माननीय गृह मंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया था, तो बहुत ही शानदार तरीके से बोला था कि जिस दिन जम्मू और कश्मीर की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और आश्वासन दिया था कि हालात सामान्य हो जाएंगे जल्दी में, तो मैं वहां पे उसका राज्य का दर्जा वापस दे दूंगा। 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तीन साल और सात महीने हो गए। अध्यक्ष जी, 3 साल और 7 महीनों में आज अभी भी एक तो गृह मंत्री जी बयां करें कि वहां की जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, नहीं तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये बोलना चाहिए कि वहां पे हम चुनाव नहीं ले सकते। उसके बीच में उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन का डिक्लेयर कर दिया, जो डिलिमिटेशन कमीशन खुले खुले एक सत्तारूढ़ पार्टी के साथ चर्चा कर रहा है कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिस तरह से बातें हो रही है, मुझे लगता है हमारा किसी का भी इस डिलिमिटेशन पे विश्वास नहीं है। एक तरफा पूरा पार्टी का चल रहा है वहां पे। सर मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि अभी 3 साल और 7 महीनों के बाद में जम्मू कश्मीर के लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ताज कहलाया जाता था जम्मू कश्मीर पूरे देश का, उसका ताज जो है उनको वापस दिया जाए, उनकी रियासत जम्मू और कश्मीर वो बोलते हैं बहुत अभिमान से और सौभाग्य से, वो उनको वापस दी जाए, वो जल्दी से जल्दी दी जाए। आज जम्मू कश्मीर में अगर कोई बड़ी सबसे बात समस्या है तो जम्मू कश्मीर का नाम लिया तो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। बहुत ही बुरी तरह से वहां पे बेरोजगारी बढ़ गई है, और ये मैं नहीं कह रही हूं, सरकारी आंकड़ों का हवाला देके मैं बोल रही हूं। अक्टूबर 2021-22 में 22.2% ये बेरोजगारी का आंकड़ा था, जो ऑल टाइम हाई था, पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पे था। ये सीएमआईई का रिपोर्ट है, अर्थमंत्री जी को मालूम है। फिर उसके बाद में अभी जो आया है उनका आंकड़ा वो 15.17 आया है, जब पूरे देश का बेरोजगारी का आंकड़ा 7.9 है। आज देश में जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी है वो 5वें नंबर पे है, और मुझे लगता है यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ, कोट करना चाहती हूँ। इकोनॉमी एंड एजुकेशन आफ्टर आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसका एक रिपोर्ट मैं आपको दाखिला देना चाहती हूँ। कोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव विटनेस्ड अ स्टीप डिक्लाइन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ड्यू टू द कम्युनिकेशन ब्लॉकेज, कर्फ्यूज एंड मिलिटेंट थ्रेट्स। इन द पास्ट 5 मंथ्स अलोन द इकोनॉमी ऑफ कश्मीर लॉस्ट INR 178.78 billion एंड मोर देन 90,000 जॉब्स इन द सेक्टर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज इन डिस्ट्रेस, टूरिज्म इज इन शैम्बल्स, एंड द स्टूडेंट्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग इंटरनेट ब्लॉकेज। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, सर मैं सदन से दरख्वास्त करूंगी ठीक से सुनिए, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पास्ट 70 ईयर्स दैट द रूरल कश्मीर इज फेसिंग सच अ ग्रेट डिग्री ऑफ इकोनॉमिक शो डाउन। 70 साल में कभी भी नहीं हुआ इस तरह से पहली बार हुआ कि रूरल कश्मीर में इकोनॉमिक शो डाउन हुआ। The apples industry in Kashmir worth rupees 80 billion, which contributes 8% of Jammu and Kashmir's GDP, has been worse affected. Threats from militants coupled with government sectors, delayed the harvest for over a month, dealing a crippling blow to the industry during the peak harvest season. By the time the government intervened, the apple produce was procured and marketed by NAFED. The damage had been done.
much before the intervention, hundreds of farmers were forced to either sell their produce at the throwaway prices or just wash them, their produce to rot. ये हालात है उस जम्मू कश्मीर के. और सर ये वहाँ के जो विद्यार्थी है, जो वहाँ के स्कॉलर्स है, वहाँ के बहुत सारे लोगों को मैं मिली, वहाँ पर उन्होंने बोला कि इंटरनेट ब्लॉकिंग की वजह से उनका कॉलेजेस का, स्कूल का इतना नुकसान हुआ. एक तो दो दो साल कोविड से बंद था, स्कूल कॉलेज बंद थे, वहां पे सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा भी ठीक नहीं है, और फिर उसके बाद में अगर इंटरनेट भी बंद है, 2G ही चल रहा है, क्योंकि 2G से कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी होती नहीं है, तो वहां के स्टूडेंट्स सीखेंगे कैसे, घर में बैठ के करेंगे क्या, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है. सर मैं पर्यटन के लिए बात करना चाहूंगी. यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कश्मीर के लिए बहुत वर्णन किया, स्वर्ग बोला किसी ने, जन्नत बोली किसी ने, क्या क्या बोला, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां जन्नत में रहने वाले लोगों का दिल में देखने की जरूरत है. सिर्फ जन्नत कश्मीर को बोलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि वहां के लोगों के जो दुख है, जब तक वो लोगों के दुख आप नहीं समझेंगे, तो सिर्फ कश्मीर का जन्नत जन्नत बोल के उनको से बाहर से 4 दिन वहां जाके शिकारे में रहना, उनके यहाँ पिट्टू और घोड़ा के साथ रहना और फिरना, इसमें कश्मीर के दुख नहीं हो लोगे. उनका दिल समझना पड़ेगा, उनके दर्द समझने होंगे. और इसीलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला, तो इस गवर्नमेंट ने क्या दिया, जम्मू कश्मीर के पर्यटन के नाम पे ऊपर 70 मंत्री, यहाँ के केंद्रीय मंत्री 70 मिनिस्टर्स, दे हैव फ्लोन टू जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, और सब जगह घूमे, शिकारे में घूमे, दल लेक गए, और वहां पे फिर घूम के बोले बहुत ही अमन शांति है, बहुत अच्छा है जम्मू कश्मीर, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा माहौल है. और यहाँ के आके भाषण करते हैं कि हमारे राज्य में बहुत अच्छा चल रहा है, ये वो तो अंधा राजा और उसकी कानी प्रजा जैसे बात हो गई, लेकिन वैसा नहीं है हाल. हाल बहुत खराब है, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोविड के कारण इस क्षेत्र में पर्यटन की हाल जो गिरावट आई है उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है. मुझे डल लेक का मुझे पता नहीं है, आपने अभी किसी ने बताया, लेकिन डल लेक में अगर आप जाओगे तो आप नाक को हाथ लगा के जाना पड़ेगा. उसके लिए मैडम ने पैसे दिए हैं, 273 करोड़ दिए हैं, लेकिन 273 करोड़ में अगर काम होगा तो ठीक होगा, लेकिन हम ही तो कोई काम किया वहां पे दिखाया नहीं, नहीं तो नमामि गंगे जैसा वो प्रोजेक्ट भी चला जाएगा, तो दूसरा नमामि गंगे तैयार हो जाएगा डल लेक में, यही मुझे बताना है. सर PMDP जो कैट का अहवाल आया है, CAG का कैट का अहवाल, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज का, उसका अनयूटिलाइज्ड ऑफ PM फंड जो है वो है 261.9 करोड़. 2016-17 में 18.30 करोड़ आए थे, उसमें से सिर्फ 2.77 करोड़ खर्चे हुए. 17-18 में 311 करोड़ आए थे, उसमें से सिर्फ 157 करोड़ खर्चे हुए. 18-19 में 171.87 रुपए आए थे करोड़, उसमें से सिर्फ 79 करोड़ खर्चे हुए. और 2019-20 में 190 करोड़ आए थे, उसमें सिर्फ 89.23 खर्चे हुए. तो टोटल ऑडिटर जनरल CAG का रिपोर्ट के अनुसार वो जो आया है 501 करोड़ टोटल आए थे 4 साल में, उसमें सिर्फ 261 करोड़ उन्होंने खर्चे कर पाए, और बाकी के पैसे उन्होंने अनस्पेंट खर्चा किया नहीं है. तो उसका भी जवाब जम्मू कश्मीर की जनता मांग रही है, क्योंकि वहां पे पैसा नहीं है और यहाँ के लोग पैसे खर्चा नहीं कर रहे, तो उसका जवाब इनको देना पड़ेगा. जम्मू कश्मीर में जाने वाले पर्यटन लोग जो है वो सिर्फ पहाड़ी देखने, झील देखने, शिकारे में घूमने नहीं जाते हैं सर. हमारे श्रद्धालु लोग हैं हमारे देश की, वो जाते हैं तो अमरनाथ भी जाते हैं, वो खीर भवानी भी जाते हैं, वो हजरतबल भी जाते हैं, वो शंकराचार्य भी जाते हैं. और वो जो लोग जाते हैं तो वहां पे जो लोग आते हैं वहां करने वाले, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं. वो घोड़ा वाला होता है, उसमें पिट्टू होता है, हम काम सामान उतारने वाला होता है, होटल वाला होता है, रेस्टोरेंट वाला होता है, ये सब लोगों का बहुत सारा नुकसान 2 साल में हुआ है. वो हम जब जाते हैं वहां पे लोग बोलते हैं हमें कुछ भी पैसा नहीं मिला, सब बंद पड़ा था, अभी अभी खुला है. उनको भी कोई राहत अनुदान देने की मैडम आवश्यकता है, उनको राहत दे दीजिएगा, यही मेरा सजेशन है. सर आंतरिक सुरक्षा की बात पे मैं बात करना चाहती हूँ. आंतरिक सुरक्षा के लिए मैंने जब लोकसभा का मैडम का भाषण सुना तो उन्होंने इस तरह से बोला कि वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन मैं वहां से अक्टूबर में जो लोगों को इनोसेंट किलिंग हुए उनको मिलके, उनके परिवार को मिलके, उनके गले लगा के उनको मैं आई हूँ. सर आंतरिक सुरक्षा के लिए मैं बोलूंगी तो ज्यादा पीछे भी नहीं जाऊंगी. फरवरी 21 में आकाश मेहरा, जो श्रीनगर के मशहूर कृष्णा और धाबा था, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उनको मार दिया गया आतंकियों ने. मार्च 25 को लावेपुरा में एक आतंकी हमले में 3 जवानों को मार दिया गया.
मार्च के महीने में एक म्युनिसिपल काउंसिल को मार दिया, काउंसिलर को मार दिया गया। और इतना ही नहीं तो लोकतंत्र को मजबूत करने का ये लोग दावा करते हैं और बोलते हैं कि हमने चुनाव लिया और हमने सरपंच उठाया, लेकिन जो सरपंच चुन के आए लास्ट महीने में भी एक दो सरपंच को गोलियां मारकर हत्या कर दी है। जो सरपंच चुन के लाते हैं उन सरपंचों को चुन के लाते हैं तो उनको संरक्षण देना भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, अगर वहां पर राज नहीं है तो वो कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। सरकार के सभी दावों को झुठलाते हुए अभी जैसे मैंने बताया अक्टूबर के महीने में जिसमें कई मासूमों ने अपने नाम जान गंवाई, उसमें एक हमारा बिहार का भाई था जो वेंडर था वहां पे, उसने भी जान गंवाई। और स्वर्गीय माखनलाल बिंदु कश्मीरी पंडित ये बोलते हैं, वो कश्मीरी पंडित कहीं नहीं गया, वही रहा जब श्रीनगर में रात दिन दुकान चला था, अपने मेडिकल की दुकान चलाता था और वो अपनी दवाई बेचते समय उसको आतंकियों ने आके गोली मार के हत्या कर दी। स्वर्गीय सुपिंदर कौर एक हमारी सिख बहन, बहुत कम उम्र की, 7 साल की तो उसकी लड़की है, जब उसके घर में गई वो 7 साल की लड़की, मुझे आंखें जब मैंने देखा उसको तो मेरे आंखें आंसू नहीं समाए, और जो पीड़ा उनकी मैंने देखी है। एक दूसरा मोहम्मद शफी जो बांदीपुरा का है, उसको भी 7 महीने का बच्चा है, उसको मार दिया गया। ये सब इनोसेंट किलिंग अक्टूबर महीने में हुए, सभी के घर में हमारे नेता राहुल गांधी जी के कहने से मैं जाके आई खुद, क्योंकि मैं वहां की प्रभारी हमारी पार्टी की तरफ से हूँ। मैं जब गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे सब अमन चैन जो बोलते हैं वो अमन चैन बिल्कुल ही नहीं, हालांकि वहां के लोगों को और सुखरूप वातावरण देने की आवश्यकता है। जिस आतंकवाद का खत्म करने का दावा सरकार करती है वो सब दावे सर खोखले हैं। सरकार के दावों को अगर बातों में कहा जाए की जाए तो जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो जाने वाला था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यह हमेशा इन लोगों का बहुत अच्छा शब्द लगता है क्योंकि इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन करने में बहुत मजा आता है इन लोगों का, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करते समय उनको यह नहीं पता चला कि ये कश्मीर है और कश्मीर में इंडस्ट्रीज आने के लिए उसकी कोशिश करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, वहां पे आज कम से कम 1 लाख से ज्यादा नियुक्ता खाली है, वो अभी तक भरी गई नहीं है। हमारा जो 15,000 से ज्यादा हमारे स्वयं रोजगार इंजीनियर्स हो वो घर में बैठे हैं, वो उनको काम नहीं मिल रहा है। और जो बाकी आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, CPWD के वर्कर्स है, उनको भी हर रोज रास्ते पे आना पड़ता है उनके वेजेस रेगुलराइज करने के लिए। ये सब हवाई बातें, ये सब जुमलों की बरसातें, ये उनकी चलती रहती है और उनको लगता है कि लोगों को समझता नहीं, लेकिन लोग ज्यादा दिन आपके जुमलों से चलने वाले नहीं है। मातृभूमि की रक्षा में सर्वप्रथम रहने वाले हमारे पुलिस भाई जो वहां पे काम करते हैं, उसमें 10,000 लोगों के सर 10,000 लोगों के पोस्ट खाली पड़े हैं, वो भी उन्होंने भरे नहीं। सर, सरकारी आंकड़ों पर नजर रखते हुए अगर सत्य पर आधारित मैं कुछ बात कहूं तो आप बुरा मत मानिए, मैं बता दूं कि पिछले कई दिनों से सदन में और सदन के बाहर भी जो चर्चा होती है उसमें बहुत दुख होता है इस जम्मू कश्मीर के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान ना बताओ तो वो देश की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए अगर किसी का श्रेय जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जाता है और किसी का नहीं, और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ। और इसलिए कांग्रेस ने हमेशा इस देश को, कश्मीर को और जम्मू को इस देश के साथ जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश को साथ में रखने का काम किया है, ये आपको इतिहास आपको मालूम नहीं है इसलिए आप ऐसा बात करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा पढ़िए पहले इतिहास। कांग्रेस ने हमेशा कश्मीरी पंडितों का भी बहुत बड़ा साथ दिया है। सर, यहाँ विवेक तनखा जी है, ये तो बात करते हैं, हमारी पार्टी ने तो एक कश्मीरी पंडित को यहाँ राज्यसभा में लाया, आपने कितने पंडितों को दिया? हमारे एक कश्मीरी पंडित कांग्रेस में है, आपने इसमें कितने कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व दिया बताइए? आपने कितने कश्मीरी पंडितों को दिया? हमारा एक कश्मीरी पंडित यहाँ पे है और वो 100 जन से भारी है। कांग्रेस ने हमेशा कश्मीरी पंडितों का साथ दिया है, उनके आंसू पोंछे हैं। सर, मैं खुद जगती में गई थी, जगती करके एक जगह है जम्मू के बाहर, जगती में शेल्टर होम बनाए हैं,
डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने वो शेल्टर होम बनाए, वहां पे लोग अनशन पे बैठे थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद के कार्यकाल में वो शेल्टर होम बना के वहां पर रिहैबिलिटेशन सेंटर और शेल्टर होम बनाए। वहां के जब अनशन पे लोग बैठे तो मैंने उनको पूछा कि ये फिल्म लाइन के बड़े बड़े लोग हैं, वो बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित को बहुत अन्याय हुआ है, मतलब वो लोग यहाँ कभी आए ही नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ वहां बाग जाके बोलते हैं बॉलीवुड वाले, सॉरी दीदी सॉरी, मैं तो और ये नाराज होंगे। मैं सिर्फ इसलिए बोलती हूँ कि जो सिंपथी नहीं होनी चाहिए। उनके यहाँ जब गई तो उन्होंने बोला हमें 30 लाख का पैकेज के लिए बोला था, 30 लाख का पैकेज भी अभी तक नहीं आया, हम वेट कर रहे कि कब हमारा पैकेज आएगा। मुझे लगता है उनको पैकेज देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैडम कश्मीरी पंडितों का जो पैकेज प्रॉमिस किया था मनमोहन सिंह पंडित जी के, मनमोहन सिंह सरकार ही, तो वो देने की आवश्यकता है, वो आप जरूर दे दीजिएगा। सर कांग्रेस ने जख्म भरने का, सर सर 2 मिनट ले लूंगा सर, मैं भी सर 2 मिनट सर, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। सर कांग्रेस ने, कांग्रेस सभी लोगों के पंजाब, चाहे पंजाब है, मेडन स्पीच है सर, जख्मों के काम भरे हैं, और अगर खुले हैं तो उसको भरने का काम किया है। कश्मीरी पंडितों का दर्दनाक हादसा हुआ, तब मैं ये बताना चाहती हूँ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि अभी किसी ने जिक्र किया उसका, तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री जी थे, बीजेपी सपोर्टेड प्रधानमंत्री थे, ऑन रिकॉर्ड ये बात लाना चाहती हूँ, और तब गवर्नर जगमोहन जी थे। ये दुनिया को मालूम होना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये मालूम ही नहीं है, हम दूसरी बातें झुटलाते रहते हैं। सर और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पे दाखला दिया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री के पास आतंकी कोई गया था। 18 अप्रैल 2003 में श्रीनगर में एक रैली में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने बोला था कि हुर्रियत के साथ इंसानियत के दायरे में रहना होगा, और केवल ये बोले ही नहीं तो सेपरेटिस्ट एंड पॉलिटिशियन को उन्होंने मिनिस्ट्री में भी लिया, अब्दुल गनी भट्ट और उनका मोसावी अल साफवी। मैं ये फोटो भी आपको दिखाना चाहती हूँ, मैडम ने इस दिन फोटो लिखा, ये फोटो भी है सर, अडवाणी के साथ भी फोटो है, ये फोटो भी है। इट विल नॉट गो ऑन ऑथेंटिकेशन के लिए।